नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भूबिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में जरूर रहते हैं, कभी चारा घोटाले को लेकर तो कभी जज से मशखरी को लेकर। सबसे ज्यादा वे अपनी आवाज मशखरी और मजाक या अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर लालू यादव के नाम की चर्चा है, वो भी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। नहीं नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये मत सोचिए कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ कर दी है, ऐसा नहीं है। वो तो जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं और पटना में हैं। दरअसल उनका एक कनेक्शन सामने आया है पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान के साथ, और इस कनेक्शन को जोड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के नेता शेद खुर्शीद साहा ने। मौका था क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार देशवासियों को संबोधित करने का। इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देशवासियों को संबोधित किया। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने कहा कि वे अपने सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाएंगे। क्या था, मियां खुर्शीद ने एक नए नवेले पीएम की खिंचाई कर दी और कहा कि इमरान का भाषण सुनकर ऐसा लगता है जैसे लालू के चेले हों। खैर कोई बात नहीं, एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान किसे भी अपना पीएम चुन ले, रहेगा वो किसी भारतीय का चेला। खुर्शीद साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा इमरान की स्पीच से ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव उनके पॉलिटिक्स मेंटर हैं। नेशनल असेंबली में इमरान के भाषण के दौरान विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही थी, इससे इमरान ने अपना आपा खो दिया। इस मुद्दे पर शाह ने कहा कि उन्हें ऐसे व्यवहार की उम्मीद पीएम इमरान से नहीं थी। अगर यह नया पाकिस्तान है तो ईश्वर इन पर दया करे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक खबरें जानने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।